चलिए वेलकम टू डिसम के स्टूडेंट एंड आई एम डिस्कस विद यू। चलिए हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाव एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो क्लास है क्लास नंबर आपका 2 है, ठीक है। अगर पहला क्लास आपने नहीं देखा है तो रिसेंटली वीडियो डाला है, अभी आप जा कर के चेक कर लें अपना अपलोड्स में। तो यानी आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाव एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये क्लास जो है आपका क्लास नंबर 2 है, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो क्लास नंबर 2 है, पहला क्लास हम दे चुके हैं, ठीक है। और आपने देखा है तो आपको पता होगा कि जो हमने छोड़ा था क्लास नंबर 1 को छोड़ा था, अगर ईच एवरी से कोई भी कितने भी नाउन आपके जुड़े हों ईच और एवरी से, याद रहे कि वर्ब जो आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा, क्योंकि ईच और एवरी लगने पर किसी भी नाउन के पहले वो जो बन जाता है सब्जेक्ट पूरा जो बनेगा एक कॉम्बिनेशन वो आपका बनेगा आपका सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है जो क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि ईच और एवरी पर हमने छोड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और आज जो भी पॉइंट अपना डालना चाहो अपना जो भी है पॉइंट अपना पॉइंट डाल लो, ठीक। और इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और फ्रेंडों के साथ शेयर करा करो और कमेंट भी करा करो। जैसी भी वीडियो आपको लगती है कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जाया करो, ठीक है। हम आपके लिए जो है वीडियो मान लीजिएगा बना रहे हैं, डेली आपको वीडियोज दे रहे हैं और एक तरफ से आपका चैप्टर आपका चल रहा है, जो भी हमने चैप्टर उठाया चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लगभग अब सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एक और बचा आपका प्रपोजिशन, उसे और पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है, ये सब आपका फ्रेश हम करा चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल आपको करा दिया, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपको करा दिया, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको बता रखा है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है और जो थंबनेल पर कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, किसी भी क्लास का आपको लिंक चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्लासेस डाल रखे हैं, तो अपना लॉकडाउन में रह करके अपना बेहतर तरीके से पढ़ो, ठीक है। और आज तो मौसम भी ख़राब है लेकिन मैं फिर भी आपको क्लास देने के लिए चला है, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ तो आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है कि आपको क्लास डेली देखना है और अच्छे से पढ़ना है और एक नोट्स अपना बनाते चलना है, ठीक है। इसके अलावा अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है, इतना काम तो करना है, और लाइक कमेंट करना है। और चाहते डेली वीडियोज मिले तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर रखो जो नए हैं, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, तो आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। चले तो मान लीजिएगा क्या हो यदि दो पर्सनल प्रोनाउन, यदि दो पर्सनल प्रोनाउन मान लीजिएगा यदि दो पर्सनल प्रोनाउन हो तथा और या नॉट से जुड़े हों, ठीक है, यानी वो और या नॉट से जुड़े हों। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब वही है आई वी यू दे ही सी इट्स, ठीक है, वही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आपके जो मतलब सब्जेक्टिव के इसके रूप में इस्तेमाल होते हैं। चलिए तो क्या है, हाँ, जुड़े हों तो क्रम, क्रम जो होगा पहले तो ये जान लो क्रम क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन का, जो क्रम होगा वो होगा सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से क्रम होगा। यानी सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, आपको पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे, फर्स्ट पर्सन बोले तो आई और वी, ठीक है। मैं जानकारी के लिए ये लोग लिख ही देता हूँ, यू और ही शी इट और दे, फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई और वी, ठीक।
चलिए अगर अब प्रोनाउन चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल देख लो। हाँ ये चीज का ध्यान रख लो, क्रम तो ये होगा, ठीक है। और वर्ब की जब बात आएगी, मान लेगा दो पर्सन प्रोनाउन है तो दो जब जुड़ेंगे तो आपको लगेगा भी प्लुरल हो गया, नो वहाँ प्लुरल सुनने से मतलब नहीं है। वहां पर जो आपको ध्यान रखना है, याद रहे वो जो ध्यान रखना है, जो यानी वर्ब निकट वाले प्रोनाउन के हिसाब से लगाते हैं, है निकट वाले प्रोनाउन के अनुसार लगाते हैं, तो वर्ब जो आएगा वो निकट वाले प्रोनाउन के अनुसार आएगा। कैसे, एग्जांपल देख लो। मान लीजिएगा हमने कहा इधर राजू, इधर राजू मतलब पर्सन प्रोनाउन का तरह है ना, मतलब नाम के नहीं, इधर यू और ही, इधर यू और ही इज सैड। इसके अलावा नंबर टू, इधर यू और ही आर सैड। नंबर थ्री, नीदर ही और आई हैव डन दिस वर्क, नेक्स्ट है नीदर ही और आई हैज डन दिस वर्क, नंबर फाइव नीदर ही अच्छा ये तो नॉर आएगा, ठीक है, नीदर ही नॉर आए, नीदर के साथ नॉर पेयर बनता है, ठीक है, वो बता दिया था आपको कंजंक्शन में, तो नीदर ही नॉर आई एम हैप्पी। चलिए तो ये पांच एग्जाम्पल्स आपके सामने, इधर यू और ही सैड, इधर यू और ही आर सैड, नीदर ही नॉर आई हैव डन दिस वर्क, नीदर ही नॉर आई हैव डन दिस वर्क, और नीदर ही नॉर आई एम हैप्पी, ठीक है। तो ये आपके फाइव एग्जाम्पल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर भी अपने हिसाब से आप अपने माइंड में फीड कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, उसके बाद करेक्शन करें जल्दी से। चलिए तो लीजिए वो स्क्रीनशॉट है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आंसर भी आपने कर लिया होगा अपने हिसाब से। तो पहला है इधर यू और ही इज सैड, तो इधर यू और ही सैड तो क्या है, इधर और पेयर भी सही है, इसके अलावा ही के बाद क्या आ रहा है, इज आ रहा है, यानी बाद वाले प्रोनाउन के हिसाब से ही मतलब जो है वर्ब लगेगा, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा इधर यू और ही आर सैड मतलब सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ही के हिसाब से जाना चाहिए। नीदर ही और आई हैव डन दिस वर्क, सो आई हैव के बाद भी क्या आ रहा है, प्लुरल वर्ब आ रहा है, सो दिस इज करेक्ट। इसके अलावा नीदर ही नॉर आई हैव डन दिस वर्क, सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा नीदर ही नॉर आई एम हैप्पी, सो आई के बाद एम आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से राइट रॉन्ग होंगे, कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, नहीं तो अपना राइट रॉन्ग कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ नन ऑफ वन ऑफ, ठीक, यानी ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ नन ऑफ और वन ऑफ के बाद, इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, इनके बाद क्या होगा नाउन होगा, ठीक है, इसके अलावा यानी ईच ऑफ और नन ऑफ और वन ऑफ इनको जान लो, यानी इसको मैं क्रम में लिख देता हूं, यानी ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ नन ऑफ वन ऑफ और ईच ऑफ, तो याद रहे ईदर ऑफ के बाद और नीदर ऑफ के बाद, मान लीजिएगा इनके बाद या तो ये मैं एक साथ लिख देता हूँ, या तो आए नाउन या आए प्रोनाउन, ठीक, इसके बाद जब बात आएगी वर्ब की तो याद रखना वर्ब जो लगेगा वो आपका सिंगुलर लगेगा, वर्ब जो लगेगा आपका सिंगुलर लगेगा, ईच ऑफ के बाद नीदर ऑफ के बाद नन ऑफ के बाद वन ऑफ के बाद और ईच ऑफ के बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है आपका सिंगुलर आता है। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया था ईच और एक एवरी दो वर्ड बताए थे, ये तो कहीं भी जुड़ जाए आपके वो क्या करते हैं सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं। तो अब जरा देख लो एग्जांपल देख लो, आप ईच का प्रयोग कैसे करते हैं सब तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह सब मैं पढ़ा दिया था, ठीक। ईच ऑफ देम इज हैप्पी ईच ऑफ देम आर हैप्पी नीदर ऑफ यू इज गुड नीदर ऑफ यू आर गुड नन ऑफ द स्टूडेंट्स नन ऑफ द स्टूडेंट्स नन ऑफ द स्टूडेंट्स है कंप्लीटेड द वर्क। चलिए पांच एग्जाम्पल आपके सामने, तो इसका स्क्रीन शॉट लो या वीडियो पॉज करके लिख लो और उसके बाद अपने आंसर अपने माइंड में कीप कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ डिस्कस करिए जल्दी से। चलिए तो ले लिया हुआ स्क्रीन शॉट या लिख लिया हुआ है, तो पहला है ईच ऑफ देम इज हैप्पी, तो ईच ऑफ देम तो ईच क्या है सिंगुलर है, सो दिस इज करेक्ट सिंगुलर ही है, तो वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, ईच ऑफ देम आर हैप्पी सो दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा नीदर ऑफ यू इज गुड सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि वर्ब क्या रहा है आपका सिंगुलर आता है मतलब आ रहा है, नीदर ऑफ यू आर गुड सो दिस इज रॉन्ग। अब माइंड में आ रहा होगा सर जब इससे पहले पढ़ाया था नीदर नॉर और वहाँ तो इस तरीके से कह रहे थे कि यू के जो नज़दीक है वो आएगा, पर वहाँ पर नीदर और नॉर का पेयर था, ठीक है, हमने और नॉर इसलिए लिखवाया था, और नॉर का जब दो प्रोनाउन जुड़े जाए तब ये काम होगा, ठीक है, यहाँ पर नॉर और की तो बात ही नहीं, नीदर की बात है, ठीक है। आ गए नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम्प्लीट द वर्क, तो नन ऑफ के बाद द स्टूडेंट्स और हैव तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था है जाना चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये पांचवा वाला भी आपको गलत है जाता तो करेक्ट होता, ठीक, इस तरीके से तो क्लियर होना चाहिए डाउट, अगर क्लियर नहीं तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से जो है हम ईच ऑफ नन ऑफ इधर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर।
जो कि ईच ऑफ आने पर, नीदर ऑफ आने पर, इधर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ आने पर जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लेगा, फिर सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाई लिया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है कलेक्टिव नाउन अगर मान लीजिएगा सिंगल बॉडी में है, इस्तेमाल किया गया है सिंगल बॉडी में, ठीक है, सिंगल बॉडी में इस्तेमाल किया गया है तो वो क्या होगा, सिंगल बॉडी में इस्तेमाल होगा तो याद रखना वो होगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर कलेक्टिव नाउन आपका सिंगल बॉडी में नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉडी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल में हो, यानी वो इंडिविजुअल होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, वो होगा आपका प्लूरल प्लस वर्ब भी जो लेगा वो आपका प्लूरल लेगा, ठीक है, वो होगा आपका प्लूरल प्लस वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। कौन कौन से वो कलेक्टिव वर्ड है जो आपके सिंगल बॉडी के रूप में इस्तेमाल होते हैं और इंडिविजुअल बॉडी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हैं देख लो, जैसे मान लीजिएगा आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी सरकार, जूरी यानी जो पांच पंचों की सभा मतलब होती है, इसी तरीके से कमेटी, इसी तरीके से बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, मोब यानी भीड़, क्रू यानी जो मेंबर होते हैं जहाज चलाने वाले, ईटीसी। तो इस तरीके से जो है आपके वार्ड हो तो ये सिंगल बॉडी के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और मतलब इंडिविजुअल बॉडी के रूप में भी। तो क्या करना है कि जब ये सिंगल बॉडी के रूप में इस्तेमाल होंगे तो इन दैट केस ये होंगे क्या, आपके सिंगुलर वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर, और अगर ये हैं आपके इंडिविजुअल बॉडी में यानी बट रहे हैं तो याद रहे ये होंगे प्लूरल प्लस वर्ब भी लेंगे प्लूरल। एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। और ऐसा थोड़ा सा मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा कोई नहीं, देख लो यहाँ पर द जूरी was united in the decision number 2 the jury war United in the decision, इसी तरीके से number 3 the jury were divided in the decision number 4 the jury was divided in the decision
चलिए फोर एग्जांपल्स हैं और इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको आंसर डिस्कस करता हूँ, अपने हिसाब से आंसर आप लगा के देख लो कहीं जल्दी से। चलिए तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट, बड़ा जाएगा तो जान लो इसके आंसर। द जूरी वॉज यूनाइटेड इन द डिसीजन, तो द जूरी यूनाइटेड यानी यहाँ पर इकट्ठे होने की बात की है, तो उसको मतलब क्या है वो डिसीजन में यानी सब डिसीजन में एक रहे, इसका मतलब यूनाइटेड इकट्ठे हुए, तो इसका मतलब क्या है सिमिलर के रूप में इस्तेमाल होगा ये, ठीक है ये जो कलेक्टिव नाउन है सो सिमिलर के रूप में इस्तेमाल हुआ, सो दिस इज राइट, ठीक है। इसके अलावा द जूरी वर यूनाइटेड इन द डिसीजन, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, वर जाना चाहिए था, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक, क्योंकि वह इकट्ठा होने की बात, इकट्ठा होने की बात इसका मतलब सिंगल बॉडी के रूप में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से द जूरी वर डिवाइडेड इन द डिसीजन, वहां पर क्या है जूरी बट गई, तो बट गई तो इसका मतलब क्या है इंडिविजुअल तौर पर बट गई, सबकी अपनी अलग अलग राय होगी, उनकी अपने अपना डिसीजन हो गया उनका, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा जब वर्क वाला राइट है तो बी वर्क वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा, वाई बिकॉज जूरी वहां पर बट रही है, तो बट रही तो सिंगल बॉडी नहीं हुई, ठीक है इंडिविजुअल मामला हो गया, तो दिस इज रॉन्ग इस तरीके से, ठीक है तो क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है आ नंबर ऑफ आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा प्लुरल होगा, प्लस वर्ब भी जो लेगा वो प्लुरल लेगा, यानी आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल प्लस वर्ब भी क्या लेगा प्लुरल। इसी तरीके से द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो भी क्या होगा प्लुरल होगा, बट रिमेंबर दिस थिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है यही चीज समझने की है सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट में, यानी द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लुरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, वहां पर नाउन भी प्लुरल होगा वर्ब भी प्लुरल होगा। एग्जांपल देख लो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have come, number two are number of students has come, next है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग नंबर फोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग। चलिए देखो फोर एग्जाम्पल्स हैं तो इनका जरा और इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है या इसके अलावा आप वीडियो पॉज करके लिख लो और अपना आंसर अपने माइंड में कीप करो, ठीक है उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, करिए जल्दी से करिए बहुत जल्दी से। चलिए तो ले लिया वो स्क्रीनशॉट, बड़ा आया आगे तो जान लो जरा इसका डिस्कशन। A number of students have come. So a number of students have come. कोई दिक्कत नहीं है number of के बाद noun भी plural है verb भी plural है, so this is correct. इसके अलावा a number of students और has come, has के हिसाब से this is wrong. इसके अलावा the number of students are reading, so the number of students are reading, so this is wrong. Why? Because number of का आने वाला noun लेकिन plural होता है verb singular होता है, so the number of students is reading, so this is correct. ठीक इस तरीके से
इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट ये कहता है मैनी के बाद या आ गुड मैनी हो या आ ग्रेट मैनी हो, ठीक है। इनके बाद जो नाउन आएगा, इनके बाद जो नाउन होगा याद रहे वो कैसा होगा, जो इन सबके बाद जो नाउन होगा, या इसको मैं ऐसे ना लिखते ऐसे लिख देता हूँ, मैनी हो या आ गुड मैनी हो या आ ग्रेट मैनी हो, इन सबके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो होगा तुम्हारा प्लुरल प्लस वर्ब भी लेगा आपका प्लुरल। इसी तरीके से मैनी के बाद अगर ए या एन आए तो याद है इसके बाद जो नाउन आएगा वो होगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी जो लेगा वो लेगा सिंगुलर, ठीक है। यानी मैनी के बाद ए एन आएगा तो नाउन होगा सिंगुलर और प्लस वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर। एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, नंबर टू मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड, नंबर थ्री many are students has come, number four many are student have come, number five many a student has come। चलिए फाइव एग्जांपल्स हैं, जरा इनका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद अपने माइंड में इनका आंसर नोट करो, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कहीं जल्दी चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ले लोगे स्क्रीनशॉट इसका है। चलिए अपने माइंड में आंसर भी कर लोगे। जरा देखो तो मैनी स्टूडेंट्स हैव पास, सो मैनी के बाद नाउन प्लस हो और वर्ब भी प्लस हो, दिस इज करेक्ट। मैनी के बाद नाउन प्लस लेकिन वर्ब प्लस हो, दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा मैनी स्टूडेंट्स हैज कम, तो मैनी स्टूडेंट हैज वर्ब तो सही है लेकिन जो नाउन वगैरह लगा दिया, नाम क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए मैनी के बाद, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके अलावा मैनी स्टूडेंट हैव कम, सो स्टूडेंट तो सही था बट हैव लगा दिया प्लुरल वर्ब लगा दिया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और मैनी स्टूडेंट हैज कम, सो दिस इज करेक्ट। ठीक, इस तरीके से राइट रॉन्ग होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। और आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, वीडियो पसंद आए। और लॉकडाउन चल रहा है, टाइम आपका ऐसा ही है, ठीक है, आपके बाहर घूमने के हिसाब से, लेकिन पढ़ने के हिसाब से बहुत बढ़िया। अपने घर रहकर अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, ठीक है, कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अपने आराम से मेहनत के साथ पढ़ो और अच्छे तरीके से अपना जो है आगे की तैयारी करो, ठीक है। तो जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसे टाइम में पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है, ठीक है, अगर ऐसे समय में आप पढ़ रहे हैं। और आप थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहेंगे तो आगे जाकर के आपका बहुत विशाल हो जाएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीते रहिए। सो थैंक यू सो मच।